हेलो एवरीवन, हेनरी फोर्ड के बाद इस दुनिया में जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन लेके आया है टेक्नोलॉजी के मामले में, उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है स्टीव जॉब्स को। स्टीव जॉब्स जब छोटे थे तो वो अपने एडॉप्टेड फादर को काम करते देखते थे। उनके फादर लिविंग के लिए चीजें रिपेयर करते थे, जिससे स्टीव को मशीनों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। इवन उनके फादर ने उनके लिए अलग से एक वर्क बेंच बना के रखा था, जहां पे उन्हें पूरी छूट थी, वो कुछ भी बना सकते थे। और बड़े होके उन्होंने एक ऐसी कंपनी की शुरुआत की जो मशीनें ही बनाती थी, और वो कोई ऐसी वैसी मशीनें नहीं थी, वो मशीनें आज भी यूज होती हैं और सबसे ज्यादा बिकने वाली मशीनों में से एक हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एप्पल कंपनी की। एप्पल कंपनी आज ट्रिलियन डॉलर्स कंपनी की लिस्ट में आती है, तो उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है स्टीव जॉब्स को। क्यों? क्योंकि एक वक्त था 1997 में जब वो कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी, तो सिर्फ स्टीव जॉब्स ने उस कंपनी को संभाला था। तो आज मैं उन्हीं की बायोग्राफी से आपको बहुत अमेजिंग लेसन्स बताऊंगा, जिसे आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप भी अपनी लाइफ का एक्चुअल में पर्पस फाइंड कर पाओगे कि आपको आपकी लाइफ में कौन सी चीज फैसिनेट करती है, आपको क्या चीज करने में मजा आता है और उस चीज को कैसे ग्रेट बनाए। सो लेट्स कंटिन्यू। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को हुआ। उनकी मॉम का नाम जेन शिबल था और उनके फादर का नाम अब्दुल फतेह जंदाली। ये दोनों उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे। जब स्टीव जॉब्स का जन्म हुआ तो उनके दोनों पेरेंट्स कॉलेज में ही थे, और तब उन दोनों की सिचुएशन नहीं थी कि वो एक बच्चे को संभाल पाए। सो ये डिसाइड हुआ कि उनकी मॉम उस बच्चे को अडॉप्शन के लिए देगी। सो जब अडॉप्शन की बारी आई तो स्टीव जॉब्स को अडॉप्ट किया पॉल और क्लेरा जॉब्स ने, और जहां से उनका नाम पड़ा स्टीव पॉल जॉब्स। पर उनकी मॉम की सिर्फ एक कंडीशन थी कि जब उनका बेटा बड़ा हो जाए तो वो कॉलेज जरूर जाए। स्टीव जॉब्स माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में रहते थे, और जिसे से ही बनता है लेसन नंबर वन, बी सराउंडेड बाय ग्रेट पीपल। क्यों? क्योंकि माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया को आज हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस जगह पे कंप्यूटर बनाने के पार्ट्स और एटलीस्ट हर एक पार्ट मिलता है, और इवन आज उस जगह पे दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट मल्टीनेशनल कंपनीज के हेडक्वार्टर है, जैसे कि गूगल, फेसबुक और इवन एप्पल का भी आज हेडक्वार्टर वही है। और जो कि स्टीव जॉब्स की लाइफ का काफी बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों से घिरे रहते थे। वहां पे बहुत सारी शॉप्स थी जहां पे कंप्यूटर्स बिकते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स मिलते थे। और इवन स्टीव जॉब्स जब छोटे थे और एक दिन कोई एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चेक कर रहे थे, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मिसिंग था, तो उन्होंने फोन डायरेक्टरी उठाई और हेवलेट पैक्ड में फोन कर दिया। तो उस वक्त हेवलेट पैक्ड के एक फाउंडर ने उस फोन को उठाया और स्टीव जॉब्स ने उसके अगेंस्ट कंप्लेंट की, और बाय द एंड जब वो फोन कॉल एंड हुआ तो स्टीव जॉब्स को एक ऑफर मिला एचपी में समर जॉब का, जिसे उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, और इवन उन्होंने एचपी एक्सप्लोरर क्लब भी ज्वाइन किया, जहां पे उन्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, और वहीं उन्होंने पहली बार कंप्यूटर देखा था, एक्चुअल में एक वर्किंग कंप्यूटर। और इवन स्टीव जॉब्स जब छोटे थे तो 1970 तक कोई पर्सनल कंप्यूटर एग्जिस्ट नहीं करता था, और 1938 में जो मॉडर्न कंप्यूटर आया था वो एक रूम जितना बड़ा था, जिसे एक नॉर्मल पर्सन ऑपरेट नहीं कर सकता था। वो एक्चुअल में एक एरोप्लेन के कॉकपिट की तरह दिखता था, बहुत सारे स्विचेस, गियर्स, और काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज उसे उस टाइम पे यूज करती थी। और वापस अगर मैं स्टीव जॉब्स की लाइफ की बात करूं, एचपी एक्सप्लोरर क्लब्स में स्टीव जॉब्स की मुलाकात स्टीव वॉजनियाक से हुई, और इसी से ही बनता है लेसन नंबर टू, गेट इनटू पार्टनरशिप। स्टीव वॉजनियाक और स्टीव जॉब्स बहुत जल्दी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। क्यों? क्योंकि उन दोनों को एक ही चीज में इंटरेस्ट था, वो था कंप्यूटर्स। दोनों को कंप्यूटर्स पसंद थे और दोनों को इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए, और उन दोनों की दोस्ती आगे जाके एप्पल के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रही। स्टीव जॉब्स जब हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुए, सो 1972 में उन्होंने रीड कॉलेज में एडमिशन ली, पर उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस कॉलेज की फीस, जो कि बहुत ज्यादा थी, और समहाउ उन्हें वो सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते थे जिसमें उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। सो उन्होंने उस कॉलेज के डीन से जाके ये पूछा कि क्या वो उन क्लासेज में बैठ सकते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट है। समहाउ उनको इसके लिए डिग्री नहीं मिली थी, पर उनके डीन ने इस बात के लिए अलाउ कर दिया। क्यों? क्योंकि वो स्टीव जॉब्स को जानते थे कि वो कितने ब्रिलियंट हैं। सो अगले 18 महीने तक वो
उसी कॉलेज में रहे, अपने दोस्त के रूम में फ्लोर पर सोए और अपना खर्चा निकालने के लिए उन्होंने कोक बॉटल सेल की और हर वीकेंड्स वो खाना खाने के लिए पैदल चल के हरे कृष्णा टेम्पल जाते थे, जहाँ पे उन्हें वीकेंड में एक बार पेट भर खाने को मिलता था। इस 18 मंथ के ड्यूरेशन में उन्होंने कैलीग्राफी और ईस्टर्न कल्चर के बारे में सीखा। 1974 में उन्होंने अपनी पहली जॉब की अटारी कंपनी में, जो कि एक गेम डिजाइनिंग कंपनी थी। उन्होंने उस कंपनी में किए हुए काम से जो उन्हें पैसे मिले, उन पैसों को जोड़ के इंडिया जाके आए, जहाँ पे उन्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, देखने को मिली। और वापस आके एक दिन जब वो स्टीव वॉजनियाक के घर पे थे, सो स्टीव वॉजनियाक एक हॉबीस्ट थे जिन्हें कंप्यूटर बनाने का काफी शौक था। सो स्टीव वॉजनियाक ने अपना बनाया हुआ एक सर्किट बोर्ड स्टीव जॉब्स को दिखाया, जिसे आप किसी भी स्क्रीन पे अटैच करके उस पे अपना काम कर सकते थे, जिसे देख के स्टीव जॉब्स बहुत ज्यादा फैसिनेट हुए और उन्हें लगा कि वो अपनी कंपनी शुरू कर सकते हैं। सो 1976 में उन्होंने एप्पल कंप्यूटर्स की शुरुआत की। उन्होंने इसे एप्पल इसलिए कहा क्योंकि स्टीव जॉब्स बहुत सारे फ्रूट्स खाते थे। इवन कभी कभार वो पूरे दिन में लंच करने के बजाय सिर्फ फ्रूट्स ही खाते थे और उनका सबसे पसंदीदा फ्रूट था एप्पल। सो एप्पल का पहला ऑफिस था उनके पेरेंट्स का गैराज, जहां पे उन्होंने 50 सर्किट बोर्ड्स बनाए। पर सर्किट बोर्ड की कॉस्ट थी $250 और बेचने के बाद हो जाती थी $500। पर उन्होंने इन सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की पेमेंट नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ शॉपकीपर को बोला था, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हें पे कर दूंगा। इसी से ही बनता है लेसन नंबर 3, यू शुड नो हाउ टू सेल योर सेल्फ। स्टीव जॉब्स पीपल डीलिंग स्किल में काफी ज्यादा अच्छे थे। उन्हें लोगों को मैनिपुलेट करना काफी अच्छी तरह से आता था और मोस्ट ऑफ द टाइम लोग उनकी बात से एग्री कर जाते थे। जितना भी टेक्निकल काम था वो सारा स्टीव वॉजनियाक ने किया था, लेकिन बट ही वॉज हार्डली इंटरेस्टिंग इन मनी। वो स्टीव जॉब्स थे जिन्होंने उनके सर्किट बोर्ड को एक बिजनेस में कन्वर्ट किया, जिसे आज हम एप्पल के नाम से जानते हैं। सो इसी से ही बनता है लेसन नंबर 4, बी बिजनेस माइंडेड। अगर आप किसी चीज में अच्छे हो तो यू शुड नो हाउ टू कन्वर्ट इट इन बिजनेस। ऐसा क्या करो कि लोग खुद बोले कि मेरा पैसा लो और मुझे ये चीज दे दो। एप्पल कंप्यूटर्स आज इतने सक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है स्टीव जॉब्स को। स्टीव जॉब्स को उसकी हर एक चीज परफेक्ट चाहिए थी। इवन उसके सर्किट बोर्ड भी इतनी अच्छी तरह से डिजाइन होते थे कि एक बार जब स्टीव वॉजनियाक सर्किट बोर्ड डिजाइन कर रहे थे, तो जब उन्होंने उसे स्टीव जॉब्स को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसमें तारे इतनी टेढ़ी क्यों हैं? तो स्टीव वॉजनियाक ने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है। तो स्टीव जॉब्स ने कहा कि अगर सपोज करो तुम कोई अलमारी बना रहे हो और उसका पिछला हिस्सा बस लोगों को नहीं दिखता है, तो क्या तुम उसमें खराब लकड़ी लगा दोगे? 1978 तक एप्पल बहुत ज्यादा पैसा कमा रही थी और काफी अच्छा कमा रही थी, पर स्टीव जॉब्स के साथ काम करना इतना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि स्टीव जॉब्स को जब कोई चीज पसंद नहीं आए तो वो अपने एम्प्लॉयज पे जरूर चिल्लाते थे। इवन कभी कभार उनके एम्प्लॉयज वहीं पे रो देते थे। और इवन जब स्टीव जॉब्स को कोई चीज अचीव नहीं हो रही हो तो वो कभी कभार खुद भी रो पड़ते थे सबके सामने, जिसकी वजह से उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग थे। वो चाहते थे कि हर एक चीज परफेक्ट हो। बाय द एंड 1979 एप्पल होम कंप्यूटर बना रही थी। एप्पल ने थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज हायर किए और स्टीव जॉब्स बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे थे और वो चाहते थे कि उनके एम्प्लॉयज उनसे भी ज्यादा हार्डवर्क करें। वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग थे। वो अपनी कंपनी के फ्यूचर को लेके इतने ज्यादा पैशनेट थे कि वो कभी कभार खाना खाना भी भूल जाते थे। उन्हें उसके अलावा और कुछ नहीं सूझता था। और 1980 में जब वो 25 साल के थे, देन ही बिकेम अ मिलियनेयर। और इसी से ही बनता है लेसन नंबर 5, जस्ट डोंट वर्क फॉर मनी। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग जॉब सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पैसे चाहिए, दे वॉन्ट टू डू देयर लिविंग। पर वहीं अगर मैं स्टीव जॉब्स की बात करूं, जब उन्होंने एप्पल कंप्यूटर शुरू की तब कोई भी उनकी उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा था क्योंकि सिर्फ एप्पल स्टार्टिंग में एक स्टार्टअप था। पर वहीं अगर आज हम एप्पल को देखें तो वो आज इतनी बड़ी कंपनी इसलिए है क्योंकि स्टीव जॉब्स चाहते थे कि एप्पल के बनाए हुए कंप्यूटर्स कोई भी यूज कर पाए, इवन एक स्कूल किड भी उसे यूज कर पाए आसानी से। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं इस वीडियो का सेकेंड पार्ट जरूर बनाऊंगा जिसमें मैं आपको और चीजें बताऊंगा स्टीव जॉब्स की लाइफ से। टिल देन मैंने जो आपको ये बातें बताई हैं वो दो बुक से मिलके बताई हैं, जिसमें से पहली बुक है
बिकमिंग स्टीव जॉब्स और दूसरी बुक का नाम है हु वॉज स्टीव जॉब्स, जो कि बहुत अमेजिंग बुक है जिसे आपको अपनी जिंदगी में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। तब तक के लिए कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज मुझे अपने व्यूज जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करें चैनल को, हिट करें नोटिफिकेशन बटन पे जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। आप मेरे को नीचे दिए गए किसी भी सोशल नेटवर्क पे फॉलो कर सकते हो। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।